वेलकम टू सिविल्स ओनली। करंट अफेयर की सीरीज में आज हम पार्ट 12 डिस्कस करेंगे और पार्ट 6 तक के जितने भी करंट अफेयर यहाँ कवर किए गए थे उसकी पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश हमारी वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई है, आप लोग जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन किस शहर में है? ऑप्शन है नई दिल्ली, शंघाई, हैम्बर्ग या तेहरान। इसका करेक्ट आंसर होगा शंघाई, यानी कि चाइना में है। ये अभी हाल ही में चर्चा में है। हाल ही में चीन का शंघाई शहर दुनिया के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क की वजह से अभी चर्चा में है और 31 दिसंबर 2021 को अपनी नवीनतम मेट्रो लाइन्स के उद्घाटन के साथ ही शंघाई अब 831 किलोमीटर का मेट्रो बन गया है, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। से रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। दिल्ली मेट्रो का जो परिचालन नेटवर्क है वो 391 किलोमीटर का है और इसकी स्टेशनों की कुल संख्या 286 स्टेशन है। सेकंड क्वेश्चन है, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शंस हैं त्रिपुरा, असम, मेघालय या फिर नागालैंड। इसका करेक्ट आंसर होगा त्रिपुरा। देखिए, अभी हाल ही में ये ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बहुत चर्चा में है। ये त्रिपुरा राज्य का क्षेत्र है और कई आदिवासी समुदाय इस क्षेत्र को अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। देखिए, मैटर ये है कि उत्तर पूर्वी राज्य के स्थानीय समुदायों के लिए ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के रूप में एक अलग राज्य की मांग की जा रही है। वे लोग ये चाहते हैं कि हमारे संविधान का आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत एक अलग राज्य बना लें वो लोग। और त्रिपुरा में 19 अधिसूचित अनुसूचित जनजातियाँ हैं, जिनमें से त्रिपुरी यानी कि त्रिपुरा और त्रिपुरा सबसे बड़ी जनजाति है। यहाँ पर आर्टिकल 2 और 3 की चर्चा की गई है, तो आर्टिकल 2 और 3 देख लेते हैं। आर्टिकल 2 में क्या है कि संसद कानून बनाकर नए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना ऐसी नियमों और शर्तों पर करती है या कर सकती है जो वह ठीक समझे, यानी कि संसद को जो ठीक लगे। हालांकि जो संसद है ये कानून पारित करके एक नया केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना सकती है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। और सिक्किम जैसे राज्य जो कि पहले भारत में नहीं था, ये आर्टिकल 2 के अंतर्गत ही देश का हिस्सा बनाया गया है, तो इसलिए ये लोग चाहते हैं कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत ये एक अलग राज्य बनाए। और आर्टिकल 3 क्या है ये देख लेते हैं। इसके अंतर्गत संसद को नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के परिवर्तन से संबंधित कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के परिवर्तन से संबंधित कानून बनाने का अधिकार हमारे आर्टिकल 3 में मेंशन है। तो ये ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का यही मैटर था पूरा। लोगों को पूर्वोत्तर राज्यों में अक्सर इन सब चीज़ों को लेके चर्चा रहती है, जैसे वहाँ की अन्य और मांगे क्या है ये देख लेते हैं। ग्रेटर नागालैंड था जो कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और असम से रिलेटेड था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हॉकी टीम ने पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता है? ऑप्शंस हैं भारत, अर्जेंटीना, स्पेन या फिर ब्राज़ील। इसका करेक्ट आंसर होगा अर्जेंटीना। अभी हॉकी विश्व कप 2021 जो कि ओडिशा के भुवनेश्वर में कलिंग स्टेडियम में आयोजित किया गया था, वहां पे अर्जेंटीना ने पुरुषों के जूनियर हॉकी विश्व कप का खिताब जीता है, जो कि अर्जेंटीना ने फाइनल में 6 बार की चैंपियन जर्मनी को हराया है। और अर्जेंटीना एक ऐसी तीसरी टीम भी बन गई है जिसने जूनियर हॉकी विश्व कप का खिताब 2 बार जीता है। जर्मनी कितना बार जीता है? 6 बार। और इसके अलावा भारत ने भी 2 बार यह खिताब जीता है। कब कब जीता है? 2001 और 2016 में भारत ने भी यह खिताब जीता है। और इस हॉकी विश्व कप में फ्रांस की टीम तीसरे और भारतीय टीम चौथे स्थान पर रही। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है कि अर्जेंटीना, जर्मनी, भारत, इसमें से भारत की रैंक क्या थी, तो ये 4th स्थान पे थी। भारत को सेमीफाइनल में जर्मनी से हार का सामना करना पड़ा था और इसके बाद तीसरे स्थान के मैच में भी उसने फ्रांस हराया है भारत को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4th क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गणित दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 15 दिसंबर, 10 दिसंबर, 18 दिसंबर या फिर 22 दिसंबर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस इसलिए मनाया जाता है
क्योंकि इसी दिन महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती होती है। और इसको मनाने की शुरुआत कब की गई थी? 2012 से, यानी कि राष्ट्रीय गणित दिवस पहली बार 2012 में मनाया गया था, तब से ये अभी तक मनाया जा रहा है। 2021 में भारत ने उनकी 134वीं जयंती मनाई है, यानी रामानुजन की 134वीं जयंती मनाई है। राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों को गणित और मानवता के विकास में इसके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है या जागरूक करना है। और हमारे जो श्रीनिवास रामानुजन थे, ये भारत के तमिलनाडु के रहने वाले थे और ये गणित के जादूगर के रूप में भी जाने जाते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है, हॉर्निबल फेस्टिवल, हॉर्निबल महोत्सव जो प्रतिवर्ष दिसंबर के प्रथम सप्ताह के दौरान मनाया जाता है, वो निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, नागालैंड या फिर सिक्किम। इसका करेक्ट आंसर होगा नागालैंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ये। नागालैंड इस महोत्सव को, हार्निबल महोत्सव को, 1 से 10 दिसंबर तक मनाता है। नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। और यह त्यौहार पहली बार 2000 में मनाया गया था और इसे त्यौहारों का त्यौहार भी कहते हैं। किसे? हार्निबल फेस्टिवल को त्यौहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, शियोमारा कास्त्रो निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी? ऑप्शंस हैं होंडुरास, कोलंबिया, क्यूबा या फिर कनाडा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा होंडुरास। अभी हाल ही में एक कैरिबियाई देश होंडुरास, यहाँ पे शियोमारा कास्त्रो को वहाँ की राष्ट्रपति डिक्लेयर किया गया है और ये मध्य अमेरिकी देश होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी। वहाँ के इतिहास में अभी तक एक भी महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है। तो ये जो शियोमारा कास्त्रो हैं, ये होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी और ये अपना पदभार कब ग्रहण करेंगी? 27 जनवरी 2022 को ये अपना पदभार ग्रहण करेंगी। होंडुरास मध्य अमेरिका में स्थित एक देश है और इसकी सीमा पश्चिम में ग्वाटेमाला, दक्षिण पश्चिम में अल सल्वाडोर और दक्षिण पूर्व में निकारागुआ से और दक्षिण में प्रशांत महासागर से फेंसू की खाड़ी से और उत्तर में होंडुरस की खाड़ी से कैरिबियन सागर तक मिलती है। ये होंडुरस की भौगोलिक स्थिति है और होंडुरस की राजधानी है टेगू सिगलपा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेवेंथ क्वेश्चन है, द ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, विरल देसाई, रघुराम राजन या फिर रंजन गोगोई। इसका करेक्ट आंसर होगा विरल देसाई। हाल ही में द ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड विरल देसाई को दिया गया है और इनकी जो एनवायरनमेंट के प्रति इनका समर्पण है, इसी कारण इन्हें ग्रीन मैन भी कहा जाता है। आई थिंक कि इस क्वेश्चन को हम अपने पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एट्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वुमन ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं रसेल बैक्स्टर, पीवी सिंधु, अंजू बॉबी जॉर्ज या फिर फ्लोरेंस ग्रिफिथ। इसका करेक्ट आंसर होगा अंजू बॉबी जॉर्ज। 2003 में विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता अंजू बॉबी जॉर्ज को युवा लड़कियों को उनके नक्शे कदम पर चलने के उद्देश्य से मार्गदर्शन करने के लिए विश्व एथलीट द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाइन्थ क्वेश्चन है, भारत से निम्नलिखित में से किसे हाल ही में यूनेस्को विरासत पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शंस हैं दिल्ली की निजामुद्दीन बस्ती परियोजना, अलाई दरवाजा, अयोध्या का राम मंदिर या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा दिल्ली की निजामुद्दीन बस्ती परियोजना। इसे यूनेस्को विरासत पुरस्कार प्रदान किया गया है। यूनेस्को ने दिल्ली में संरक्षण प्रयासों के लिए दिल्ली निजामुद्दीन बस्ती परियोजना को यूनेस्को विरासत पुरस्कार प्रदान किया है और निजामुद्दीन क्षेत्र में हुमायूं के मकबरे की विश्व धरोहर स्थल हजरत निजामुद्दीन बस्ती और सुंदर नर्सरी, 16वीं शताब्दी के दरबारी कवि रहीम खान खाना का मकबरा तथा अजीमगंज सराय के मुगल काल के कारवां सराय शामिल हैं।
शहरी नवीकरण परियोजना जो कि 2007 में शुरू की गई थी, इसने संरक्षण क्षेत्र के इन अलग अलग क्षेत्रों को सांस्कृतिक महत्व के शहरी ऐतिहासिक क्षेत्र में सफलतापूर्वक एकीकृत किया है। तो ये याद रखिएगा, यूनेस्को विरासत पुरस्कार दिल्ली की निजामुद्दीन बस्ती परियोजना को प्राप्त हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिद्ध दिवस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं अगथियार, श्याम एस फरत्याल, महेश मांगवकर या सत्रुपा सेन। इसका करेक्ट आंसर होगा अगथियार। आयुष मंत्रालय प्रतिवर्ष अगथियार के जन्मदिवस के अवसर पर सिद्ध दिवस मनाता है और 23 दिसंबर 2021 को संक्रामक रोगों के लिए सिद्ध चिकित्सा की शक्ति विषय पर केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान तथा तमिलनाडु सरकार के भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी निदेशालय द्वारा संयुक्त रूप से 5वें सिद्ध दिवस समारोह का आयोजन किया गया था। तो आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।